41. देखो शीट नंबर 41 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो देखो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो शीट नंबर 41 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब क्या है? अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर में मोबिलिटी ज़्यादा है तो वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है उस कंडक्टर के अंदर, फ्री टू ज़्यादा इजीली मूव कर सकता है, तो ज़्यादा मोबाइल है. और अगर उसकी मोबिलिटी कम है तो इसका मतलब वो इजीली मूव नहीं कर पा रहा. मोबिलिटी को स्टडी करने के लिए एक कंडक्टर लिया, बैटरी कनेक्ट की, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव की तरफ जाएगा. कितनी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर? क्यू, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का? स्मॉल ई. क्या स्टेप क्लियर है? अब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर से निकल रहा होगा तो फिर क्या होगा? उसको अपोजिशन ऑफर होगी उस कंडक्टर की, क्योंकि सॉलिड है कंडक्टर, मेटल के आयन से टक्कर मारता हुआ जा रहा है, और वैसे भी सॉलिड कंडक्टर है तो इजीली मूव नहीं कर पाएगा. बिल्कुल वैसे जैसे हम प्लस वन में लिक्विड के अंदर एक स्फेयर को गिरते थे, तो स्फेयर को जैसे ही पानी में गिरते थे तो पानी या लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाता था? अपोजिशन की तो लिक्विड क्या लगाता था? अपोजिशन की फोर्स. स्फेयर के ऊपर, और वैसे भी लिक्विड क्या होता था? विस्कस होता था, मीडियम है, मीडियम में आप इजीली मूव नहीं कर पाते. तो स्फेयर के केस में वो फोर्स क्या होती थी? 6 pi eta rv. तो वो जो फोर्स होती थी 6 pi eta rv, अगर आपको याद हो, वो उस स्फेयर की मूव करने की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट थी. जितनी तेज स्फेयर मूव करता है फोर्स ऑफ अपोजिशन उतनी स्ट्रांग मिलती है. हम भी अगर पानी में जंप करेंगे, जितनी तेजी से जंप करेंगे पानी हमें क्या करेगा? अपोज करेगा उतनी ही फोर्स से. इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम है. ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि ये लेफ्ट जाए, पर ये इलेक्ट्रॉन को वो कंडक्टर क्या लगाएगा? ऑपोजिशन की फोर्स, जो उसकी वेलोसिटी पे क्या होगी? डिपेंड. तो फोर्स ऑफ ऑपोजिशन प्रोपोर्शनल टू वी, और यहां पर आएगा एक कॉन्स्टेंट के. ये जो कॉन्स्टेंट है ये मीडियम, कंडक्टर के मीडियम पे डिपेंडेंट है. वो कैसा कंडक्टर है? कोई ज्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट करता है, जब एक्सलरेशन की बात हो रही है इसका मतलब ये फोर्स बड़ी और ये फोर्स छोटी होगी. तो कितनी एक्सलरेशन होगी? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय मास. अब क्योंकि एक तरफ मैं क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सलरेट. एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का इंक्रीज होना. तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वी इंक्रीज हो रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. तो जब बराबर हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो. तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कांस्टेंट. तो ऐसी वेलोसिटी को लिक्विड्स में क्या नाम देते थे? टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी. इसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो गई. इसको टर्मिनल नहीं बोलते, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये देखो, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक्सलेशन जीरो हो जाएगी. जीरो कर दिया, ये बराबर हो गए, तो इस वेलोसिटी का नाम क्या दे दिया? ड्रिफ्ट. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई. ई बी कांस्टेंट, के मीडियम का कांस्टेंट, डिवाइड करके म्यू. इस म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी. मोबिलिटी मीडियम के फैक्टर पे डिपेंड करती है. तो म्यू की डेफिनेशन क्या बनी? वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब सोचो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोटा अप्लाई किया, लो कम, और ड्रिफ्ट उससे ज़्यादा एक्वायर कर ली, यानी कि वो तेज़ मूव कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है. तो लोअर दी वैल्यू ऑफ ई एंड हायर दी वैल्यू ऑफ वी डी, मोर इज दी मोबिलिटी. तो मोबिलिटी का फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल्स में कभी काम आ सकता है. क्या ये पॉइंट क्लियर है?
ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस सर। होगी मेरी ओके भी नहीं चल।